हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्याज को बहुत ही आसान टिप्स जो आप 5 मिनट में ही बना के लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये हेयर के लिए बहुत ही ख़ास टिप्स है और बहुत ही बेस्ट टिप्स होगी जो 100% काम करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये प्याज लेना है। आपको एक प्याज, दो प्याज आप ले सकते हो। बड़ा हो तो आप एक प्याज ले सकते हो, छोटे हो तो आप दो प्याज ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्याज को आपको काट लेना है। तो ये प्याज को आपको ऐसे काट लेना है, ये आपको छुलके पूरे निकाल देना है, इनको साफ कर लेना है। तो इस तरह से आपको प्याज को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, छोटे प्याज थे तो मैंने दो लिया है, आप चाहे तो दो ले सकते हो, एक ले सकते हो। तो ये प्याज लेना है और ये घिसने लेना है। तो आपको प्याज को ऐसे घिसना है। तो हमें इस तरह से प्याज को आपको घिस लेना है। देखिए, प्याज को घिस लिया है पूरा। अब इसको आपको एक प्लेट लेना है। तो दोस्तों, आपको प्लेट में कपड़ा बिछा लेना है, सूती कोई भी पतला सा, और इसमें आपको प्याज डाल लेना है। तो देखिए, ये प्याज डाल लिए हैं। अब इसको आपको चारों तरफ से ऐसे पकड़ लेना है और देखिए, इसको गोल गोल घुमाते रहो, गोल गोल घुमाते रहो, इसको पूरा पानी निकल जाता है प्याज का। तो दोस्तों, आप गोल गोल घुमाते हैं, घुमाते रहो, और ऐसे करके आपको पूरा प्याज का पानी निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पानी होगा, ये एकदम साफ़ होगा और एकदम अच्छा क्लिंग निकलेगा। तो दोस्तों, इसका जो मटेरियल है जो पूरा ही निकल जाएगा। ये आप खाने में भी उपयोग ले सकते हो इसको, और आप चाहे तो फेंक भी सकते हो। तो दोस्तों, ये आप खाने में भी आप ले सकते हो, चाहे आप फेंक भी सकते हो। तो दोस्तों, खाने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। पानी को आपको ऐसे लेना है। अब इसमें आपको एक ही बार में आपको एक बार लगाना है इसको। तो आपको एक विटामिन ए का कैप्सूल आपको डाल लेना है इसमें। तो दोस्तों, आपको एक बार लगाने के लिए आपको एक ही विटामिन ए का कैप्सूल डालना है इसमें। एक विटामिन ई का कैप्सूल अच्छे से डाल लेना है। अब इसको आपको मिला लेना है। ये देखिए, आप ऐसे मिलाना है, 2 मिनट अच्छे से मिला लेना है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको आपको कैसे अप्लाई करना है तो जानते हैं। तो इसके लिए आपको कॉटन लेना है। तो आप कॉटन आप जितनी बड़ी ले सको उतना बड़ा ये बोल लेना है। अब इसको डुब करना है और इससे आपको स्किन में रगड़ना है। तो दोस्तों, कैसे लगाना है, स्किन में कैसे रगड़ना है, आपको स्किन में अच्छे से रगड़ के लगाना है कॉटन की मदद से। देखिए, ये आप मांग निकाल निकाल के अच्छे से रगड़ना है। तो दोस्तों, आप कैसे ही आपका कंजापन हो, कैसे भी हो, तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा और 1-2 दिन में ही आपको फर्क नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये आपके बालों को काला, घना और लंबा बनाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप ज़रूर करिएगा इसको अप्लाई। तो ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलती हूँ दोस्तों ऐसी नई टिप्स लेके आपके साथ।